हाय फ्रेंड्स, ग्लोब ऑफ बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा ही होगा, ये मेरा पैरट मेरे सीटी बजाने पर फ्लाई करके मेरे हाथ पर आके बैठता है। तो दोस्तों, इसे ही इंडोर फ्री फ्लाई कहते हैं। इस इंडोर फ्री फ्लाई के लिए आपको आपके पैरट को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उसी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिए। इस ट्रेनिंग के लिए आपको पैरट का एक 15 से 20 दिनों का छोटा बच्चा लाना पड़ेगा और उसे हैंड फीडिंग करते करते ही आपको उसे इंडोर फ्री फ्लाई की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब आप पैरट का बच्चा हैंड फीडिंग के लिए लाते हो, तब शुरू के 4 से 5 दिन तक उसे फीड करते वक्त आपको सीटी बजानी है, या तो उस पैरट का एक नाम रखकर उसे उस नाम से पुकारना है और फिर उसे फीड करना है। कुछ दिनों के बाद वो पैरट का बच्चा चलना सीख जाता है, तब आपको उस पैरट के बच्चे को जमीन पर रखना है और उससे थोड़ा दूर खड़े होकर उसे सीटी बजाकर या उसका नाम लेकर बुलाना है। जैसे ही वो पैरट का बच्चा आपके नजदीक आ जाएगा, तब उसे हैंड फीडिंग फॉर्मूला फीड करना है और वापस से उसे थोड़े डिस्टेंस पर रखकर फिर से उसे कॉल करना है, फिर से उसे सीटी बजाकर बुलाना है। ऐसे करने से उस पैरट के बच्चे का एक माइंडसेट तैयार होगा कि वो पैरट का बच्चा जब आपके पास आएगा तब उसको खाना मिलेगा, और यही चीज़ फ्री फ्लाई ट्रेनिंग में बहुत काम आती है। यह काम आपको हर फीडिंग के वक्त करना है, और कुछ दिनों के बाद आपके और पैरट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बढ़ाकर उसे उस पैरट को सीटी बजाकर बुलाना है। और कुछ दिनों के बाद आपको आपके पैरट को आपके हाथ पर बैठने की ट्रेनिंग देनी होगी। उसके लिए आपको पैरट को ज़मीन पर रखकर उसके सामने अपना हाथ करना है और दूसरे हाथ में हैंड फीडिंग फार्मूला का सिरिंज पकड़ना है और उसे ललचाना है। पैरट जब आपके हाथ पर आकर बैठेगा, सिर्फ तभी आपको फीड करना है और फिर उसे वापस से ज़मीन पर रखना है और फिर हाथ में लेके उसे फीड करना है। यह सारी ट्रेनिंग आपको हर रोज़ हर वक्त फीड करते टाइम देना है, और फिर जब आपका पैरट फ्लाई करना सीख जाएगा, तब उसे एक स्टैंड पर बैठाना है और उसे सीटी बजाकर बुलाना है, तब वो फ्लाई करके आपके हाथ पर बैठेगा। और दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, जब आप पैरट को फ्लाई करोगे तब आपको अपने घर के दरवाजे, खिड़कियाँ और पंखा बंद रखना है ताकि पैरट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये इंडोर फ्री फ्लाई ट्रेनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।